विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सभी गुरुजनों को राकेश का नमन एवं सभी मित्रों को अभिनंदन व्यक्त करते हुए आज मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ तिरंगे का इतिहास। तो आइए देखते हैं तिरंगे के इतिहास को। धन्यवाद। 1904 में भारतीय युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगनी निवेदिता ने स्वदेशी ध्वज का निर्माण किया, जिसमें लाल रंग स्वतंत्रता और पीला रंग जीत का प्रतीक था। इस झंडे के बीच में ब्रज का चिन्ह था, जो शक्ति का प्रतीक था, जिसके दोनों तरफ बंगला भाषा में वंदे मातरम लिखा गया था और ध्वज के चारों ओर एक रेखा में 101 दीप प्रज्वलित थे। ये ध्वज सर्वप्रथम कोलकाता के पारसी बागान चौक में फहराया गया। इसी ध्वज का और एक संस्करण भी मौजूद था, जो आयत के आकार का 3 रंगों से बना था। इसमें हरा, पीला और लाल रंग शामिल थे। ऊपर के हरे पट्टी में 8 कमल दल, मध्य में वंदे मातरम एवं अंतिम लाल पट्टी में सूर्य और चंद्र के चिन्ह अंकित थे। मैडम रुस्तम कामा और क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर ने मिलकर 21 अगस्त सन 1907 को जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया। इस ध्वज के ऊपर केसरिया रंग और 7 तारे थे, जो सप्त ऋषि को दर्शाते थे। मध्य में पीला रंग था, जिसमें वंदे मातरम लिखा गया था, और नीचे हरा रंग, जिसमें सूर्य और चंद्र के निशान थे। सन 1921 में भारतीय झंडा बनाने का काम पिंगली वेंकैया को सौंपा गया। उन्होंने 5 साल में 50 देशों के झंडों का अध्ययन किया और साल 1921 में लाला हंसराज की सिफारिश पर गांधी जी ने इसमें एक सफ़ेद पट्टी और चरखा लगाकर झंडे को सम्मति प्रदान की। सफ़ेद पट्टी शांति और चरखा आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। 1931 में कराची में कांग्रेस समिति ने लाल रंग को बदलकर केसरिया कर दिया और रंगों के क्रम में भी बदलाव किया। 30 दिसंबर 1943 को नेताजी ने अंडमान और निकोबार को आजाद कर भारत का राष्ट्रीय ध्वज पोर्ट ब्लेयर में फहराया था। आज़ादी के बाद एक झंडा समिति का गठन हुआ। राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति ने बदरुद्दीन तैयब जी और सुरैया तैयब जी के सलाह पर सफ़ेद पट्टी से चरखा को हटाकर उसकी जगह पर अशोक चक्र का इस्तेमाल किया। 22 जुलाई 1947 को हुई संविधान सभा की बैठक में वर्तमान झंडे को स्वीकार किया गया। झंडा फहराना एक मूल अधिकार है। 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने नवीन जिंदल मामले में फैसला दिया कि सम्मान और गरिमा के साथ झंडा फहराना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत एक मूल अधिकार है। आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज की यात्रा नामक डाक टिकट 2 अगस्त 2022 को जारी किया है। निकले हैं वीर जियाले यूं अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदला दे, तेरे लाल चले हैं माई अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदला दे, तेरे लाल चले हैं माई अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बदला दे, तेरे लाल चले हैं माई अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में शोला मेरा रंग दे,
चोला माई रंग दे बसंती चोला माई रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माई रंग दे बसंती चोला वंदे मातरम भारत माता की जय।